हे गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एसजी शूज़ के ऊपर और सॉक्स के ऊपर कि कौन सा एसजी शूज़ बेहतर होता है और कितनी क्वालिटी उनकी होती है और कौन कौन से प्राइस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। ओके गाइस, और मैं सॉक्स के ऊपर भी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ कि कौन सा सॉक्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेहतर होता है और क्रिकेटर्स के लिए बेहतर होता है। और जो मैं शूज़ बता रहा हूँ वह स्टड शूज़ है, ना कि स्पाइक शूज़ है गाइस, ठीक है। तो स्टड शूज़ कितने में आ रहा है और कितने में बेस्ट क्वालिटी में मिल सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, ये रही शूज़ और ये रहा सॉक्स। नेवा का सॉक्स है और ये रही एसजी की शूज़। अब मैं इसकी क्वालिटी चेक करके दिखाता हूँ। देखो क्वालिटीज़ गाइस, एसजी की शूज़, ठीक है गाइस, एसजी की शूज़। और मैं इन सब का जो वो है कागज़ वगैरह है वो निकाल देता हूँ गाइस। ये रही एसजी का लोगो, इसे भी मैं साइड कर देता हूँ। और ये रहा कागज, ठीक है गाइज। आप शूज़ की क्वालिटी देख सकते हो गाइज, ये है एसॉस शूज़, एसॉस पूरा क्लियर, ओके एसॉस। और इसकी कलर देख लो, वाइट कलर में आता है, ग्रीन कलर का इसका लोगो होता है साइडवेज, और ग्रीन ब्लू और वाइट इसका लोगो होता है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी देख सकते हो गाइज, बिल्कुल ही परफेक्ट क्वालिटी, आगे से भी बिल्कुल ही वो है कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, अगर फोर्स आगे पड़ता है तो ये ख़राब नहीं होगा, एकदम स्पोर्ट्स क्वालिटी की है। जैसे कि वैसे तो ये एसजी का स्पोर्ट्स का ही आता है हमेशा से गाइस, बट इसमें क्वालिटी वाइज आती है। अब इसकी क्वालिटी देख लो, इसकी प्राइसेस हैं 1200 रुपीज़। एंड अगर इसमें का अगर और भी आप लेते हो, क्वालिटीज़ का फ़र्क आता है इसमें का, अगर कोई और क्वालिटी लेते हो तो 2000 के अराउंड में आएगा। जैसे कि ये ग्रेड सी का है, फिर ग्रेड बी आता है, फिर ग्रेड ए आता है, ठीक है गाइस। तो बी वाला ग्रेड का 2000-2500 में आएगा, और जो आप ग्रेड ए का लोगे वो आपको आई थिंक 4000 रुपीज़ से भी एबव लगेंगे, ओके गाइस। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी आप एकेडमीज कर रहे हो तो आप नॉर्मल वाला ले लो 1200 का, अगर आप प्रोफेशनली हो तो फिर आप 4000 के समथिंग में आप ले सकते हो, ओके गाइस। एंड ये रहा नेविया सॉक्स, ओके नेविया सॉक्स गाइस। ये अब मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, बिल्कुल ही परफेक्ट क्वालिटी है, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये चीज़ें देख लो, इसकी जो रबर बैंड है ये बिल्कुल ही अच्छा है, फुल्ली रबर बैंड है। और इसकी जो लंबाई है वो भी बहुत ही अच्छा है, और इसमें वाइट आता है गाइस। जब भी अगर हम प्रोफेशनली खेलते हैं तो हम हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन जब फॉलो करेंगे तो हमें वाइट ही अलाउड करते हैं, ना कि हम ब्लैक और ब्लू, ये सब अलाउड नहीं होता है। सो वाइट कलर का जब भी हम ले सॉक्स ये वाला नेविया का आपको एक पीस आ जाएगा 200 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्वालिटीज़ वाइज आता है, अगर आप जिस क्वालिटी के लिए तो उस हिसाब से आपका पैसा लगता है, ठीक है। और शूज़ तो बिल्कुल ही मेरे तरफ से एकदम बेस्ट है, मेरे लिए तो A1 है कि ये मुझे लगता है कि ये बहुत दिन तक चलेगा। बिकॉज देखो गाइस, स्पोर्ट्स शूज़ ना, अगर बंदा अगर ढंग से प्रैक्टिस करने वाला हो ना तो उसके पास 3 महीने भी शूज़ नहीं चल पाएगा, ठीक है गाइस, अगर जान लगा के प्रैक्टिस करे तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो मेहनत नहीं करता, अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो उसके पास 2 साल भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सबसे बड़ी चीज़। अगर शूज़ आप खरीदने जाते हो, ठीक है गाइस, शूज़ अगर खरीदने जाते हो, शूज़ और सॉक्स, तो आप देखो कि आपको शूज़ कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पहन के चेक करो दोनों शूज़ को, ठीक है, और विद सॉक्स, ठीक है गाइस। ताकि जब तक आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा तब तक आप कुछ भी चीज़ बेहतर नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बॉल भी कर रहे हो, बैटिंग भी कर रहे हो, उस टाइम आप अच्छा नहीं कर पाओगे अगर शूज़ अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होता है स्टड्स, हमें देखना होता है स्टड्स कड़ा होना है, मतलब कि हार्ड होना चाहिए, ठीक है, कड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये स्टड्स हार्ड होना चाहिए, और जो भी इसका ग्रिप है, ग्रिप बनना चाहिए, बिल्कुल ही ग्रिप बनना चाहिए। मान लो कि हम रनिंग कर रहे हैं, इसका ग्रिप ही ना बने, स्टड्स रहने का फायदा क्या, ठीक है। तो स्टड्स उस लेवल का रहना चाहिए, ना कि नॉर्मल स्टड्स हो, कांटे वाली भी स्टड्स आती है इसमें, जो नॉर्मल सी रहती है। वो स्पाइक शूज़ की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल स्टड्स शूज़ की बात कर रहा हूं, जिसमें एक आता है कांटेदार आता है, ठीक है, वो बेहतर नहीं होता है। जो नॉर्मल होता है, ये जो थोड़ा चौड़ा चौड़ा रहता है, ज़्यादा लेंथ रहता है, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जब भी लो आप इस तरह का शूज़ लो, इसका देख लो अंदर का भी, इनर क्वालिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, इनर क्वालिटी कितना बेस्ट है एसजी इसका, ये भी देख लो लोगो वगैरह भी कितना बेस्ट है। सबसे बड़ी बात कि इसकी जो लेज आती है वो ज़्यादा हाइट में नहीं रहती, नॉर्मल ही रहता है, बिकॉज कि जो स्पोर्ट्स में अगर जो बैटिंग कर रहा बंदा उसका लेज जल्दी ना खुले, इसलिए इसे इस तरह से डिज़ाइन करा गया, ठीक है। तो ये रहा शूज़ और ये रहा आपका
सॉक्स, और गाइस ये रही उसकी पैकेट। ओके, सो रिकमेंडेड कि आप जब भी अगर नॉर्मल प्लेयर हो तो आप एसजी यूज़ करो, बिकॉज एसजी में थोड़ा जो क्वालिटी आता है वो तो बेस्ट आता ही आता है, बट इसकी प्राइसेस भी काफ़ी कम रहता है। ठीक है, आप कम प्राइस लगा के आप अच्छा सामान ले सकते हो एसजी का। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अभी ले रहे हो तो आप नॉर्मल में अपना एसजी वगैरह ले सकते हो गाइस। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। अगर इसमें की क्वालिटी अगर जाननी है और, तो मैं इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो बना दूंगा कि और भी कौन से इसमें का बेस्ट क्वालिटी जो आता है उसके ऊपर मैं एक अनबॉक्सिंग कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स। ओके गाइस, सो गाइस अब हम इसे पहन के चेक करते हैं कि कैसा फील हो रहा है, पहनने के बाद कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, तो मैं अभी इसे पहनता हूँ। ठीक है, गाइज शूज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि शूज़ मैंने पहना नहीं है, कुछ पहना ही नहीं है, बिल्कुल ही ज़्यादा वेट नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम इजी लग रहा है, बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एसजी का जो ग्रेड ए का है, ग्रेड बी का है, वो बेस्ट है। सी भी एटलीस्ट बेस्ट ही है, बट ग्रेड ए ग्रेड बी बहुत ज़्यादा बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और गाइज जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे और मेरे FB पेज पे फॉलो नहीं करा, मुझे जाकर भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है गाइज, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ओम प्रकाश मौर्या है, जाकर वहाँ पे भी फॉलो कर लो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और गाइज मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ भी चीज़ें पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो गाइज। ठीक है गाइज, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।